नमस्कार बच्चों, मैं मीता पाठक होली हार्ट एजुकेशनल एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आशा है आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 7वीं और 6वीं के लिए संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धातु रूप के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। धातु रूप के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे धातु किसे कहते हैं। धातु यानी क्रिया, हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसे ही धातु कहते हैं। धातु रूप शब्द स्वयं धा 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 शब्द में तीन प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप तिङन को धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। धातु के संबंध में कहा जाता है कि संस्कृत में लगभग 3,356 धातुएं हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह है लट लकार में धातु रूप। लट लकार यानी वर्तमान काल। ऐसे तो हर धातु रूप लिखने के लिए अलग से फार्मूला होता है, वैसे ही लट लकार का भी अलग से एक फार्मूला है जो इस प्रकार है। प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति होता है। मध्यम पुरुष में सी, थ, द्विवचन में और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आमा होता है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम कोई भी धातु रूप को लट लकार में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग पर धातु का रूप हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम पुरुष में पर धातु का रूप एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी एक वचन में, द्विवचन में पठथ, बहुवचन में पठथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावा, बहुवचन में पठामा। बच्चों, इसी प्रकार हम बहुत सारे धातुओं को लट लकार में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे लिक धातु, चल धातु, वद धातु, भू धातु, खार धातु, हंस धातु, रज धातु, अध धातु, गम धातु इत्यादि जितनी भी धातु हैं हम लोग इस प्रकार से हम लोग धातु रूप लिख सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से संस्कृत में लट लकार के धातु रूप का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में हम लोग करेंगे। प्रारंभ में हम लोग करेंगे प्रथम पुरुष में। जैसे हिंदी में वाक्य है वह जाता है, वह का संस्कृत हुआ सह, जाता है गच्छति। ये पुल्लिंग में सह गच्छति होता है, इसी के जगह स्त्रीलिंग में होता तो हम यहाँ पर लिखते सा गच्छति, मतलब वह जाती है। फिर द्विवचन में प्रथम पुरुष में वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता, यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग होता तो हम लिखते ते पढ़ता, यानी वे दोनों पढ़ती हैं। बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, और स्त्रीलिंग में होता तो हम लिखते ता पठंती। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, त्वम, तुम का संस्कृत त्वम, मध्यम पुरुष में त्वम के साथ सी आता है इसलिए पठसी। मध्यम पुरुष में द्विवचन में तुम दोनों पढ़ते हो, तिवाम पढ़था, तुम दोनों का संस्कृत होगा युवाम और पढ़ते हो का पढ़ता। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब का संस्कृत हो गया यूयम, उसके साथ हो गया पढ़ता, यानी त्वम के साथ सी आया, युवाम के साथ थ आया, यूयम के साथ थ आया। उत्तम पुरुष में मैं लिखता हूँ का संस्कृत होगा अहम लिखामी, मैं का संस्कृत अहम, लिखता हूँ लिखामी। हम दोनों लिखते हैं पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम दोनों यानी आवाम पठावा पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा, यहाँ पर हम सब का संस्कृत हो गया वयम और पढ़ते हैं का पठामा। तो इस प्रकार पूरे धातु में हमने देखा सह के साथ ती आता है, तो के साथ तह आता है, ते के साथ अंति आता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में
त्वम के साथ सी आता है, इवाम के साथ थ आता है, योयम के साथ थ आता है, और उत्तम पुरुष में अहम के साथ मी आता है, आवाम के साथ आवा आता है, और वयम के साथ आमा आता है। तो बच्चों देखा हमने किस प्रकार हम लोग लट लकार का प्रयोग धातु रूप में और संस्कृत वाक्यों में हम लोग करते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसका प्रयोग भी आप लोग अच्छी तरह संस्कृत के वाक्यों में बनाने में कर सकेंगे। धन्यवाद।